ये जो भाजपा सरकार है इसको हमारे गठबंधन ने अभी से हराने का काम कर दिया है। ये तो यही काम करेंगे, इन्होंने हमेशा से विभाजन करने का काम करा है। सांप्रदायिक ताकतें हैं जो हमारे बीच में एक दूरी पैदा करने की कोशिश कर रही है। आप उनकी किसी भी अफवाह पर आप यकीन ना करें। आदाब नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन के सरेंडर करने के बाद से लगातार ऐसे कई वीडियो वायरल किए जा रहे हैं जो चुनाव को ध्रुवीकरण की मोड देने वाले हैं। हालांकि नाहिद हसन की बहन इकरा हसन जनता के बीच जाकर हर एक सवाल का जवाब दे रही हैं। वे आपसी भाईचारा और विकास के मुद्दे पर वोट मांग रही हैं। जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी, ये उन्होंने एक भाईचारे के और किसान मजबूती के लिए ये गठबंधन बनाया है, और नीचे आप और हम जो उनके मजबूत कार्यकर्ता है, हमारी ये अब जिम्मेदारी है इस गठबंधन को मजबूती से लेके चलने की। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो भाजपा सरकार है इसको हमारे गठबंधन ने बिल्कुल अभी से हराने का काम कर दिया है, इसीलिए ये लोग बरगला के अब कुछ अफवाहें फैलाने की साजिश चला रहे हैं। आप सबको उन सब साजिशों से आगे बढ़कर चलना है, और इनकी जो भी ये अफवाहें हैं कि एक समाज दूसरे को वोट नहीं दे रहा, ये तो यही काम करेंगे। इन्होंने हमेशा से विभाजन करने का काम करा है, आपके हमारे बीच खाई खोदने का काम करा है, लेकिन मैं आप सबको ये भरोसा दिलाती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। शामली जिले की तीनों सीट पर गठबंधन के प्रत्याशी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और पूरा प्यार और सम्मान मिल रहा है, हमारे बड़े ताऊ और बाबा सभी लोग मेरे सर पे हाथ रख के और मुझे पूरा पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि शामली में हमारे जितने भी लोग हैं, सभी लोग भी गठबंधन का साथ दे रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये जो भी सांप्रदायिक ताकतें हैं जो हमारे बीच में एक दूरी पैदा करने की कोशिश कर रही है, आप उनकी किसी भी अफवाह पर आप यकीन ना करें। आप ये जानिए कि सत्ता, प्रशासन, पुलिस, मीडिया सब उन्हीं का है। हमारे पास तो सिर्फ अपना भाईचारा है, और वो उसी से उनकी हिम्मत टूट चुकी है, अब वो हमें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर अपील है कि इस तरह की किसी भी अफवाह पर आप लोग यकीन ना करें। हम लोग मजबूत हैं, कैराना में भी, शामली में भी और थाना भवन में भी, और यहीं से सबसे पहले भाजपा को हटाने का काम होगा। नाहिद हसन कैराना से मौजूदा विधायक हैं। 2017 में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मृगांका सिंह को हराया था। तब नाहिद हसन को 98,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी मृगांका सिंह को 77,000 से ज्यादा वोट मिले थे। 14 जनवरी को नाहिद हसन ने अपना पर्चा दाखिल किया है। चूंकि उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, इसलिए अगले ही दिन यानी 15 जनवरी को उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया था। इस बीच नाहिद की बहन इकरा ने चुनाव की कमान संभाल ली है। इकरा लंदन से लॉग करके लौटी हैं, एहतियात के तौर पर उन्होंने भी अपना नामांकन कराया है, इस वजह से कि अगर नाहिद का पर्चा खारिज हो जाता है तो वे चुनाव मैदान में डटी रहेंगी। आपको बता दें कि नाहिद के पिता चौधरी मुनव्वर हसन कैराना से 2 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे हैं। साल 1991 और 93 में वे विधायक चुने गए, जबकि 1996 में कैराना से सांसद और 2004 में मुजफ्फरनगर से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। नाहिद भी ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस ग्रेजुएट हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी ने कैराना से दोबारा प्रत्याशी बनाया है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना से चुनाव प्रचार का आगाज किया था। वहां उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया। क्योंकि कैराना में पलायन का काफी शोर रहा है, सत्ता पक्ष इसी को मुद्दा बना रहा है, जबकि नाहिद हसन के समर्थकों की ओर से ऐसा दावा किया जा रहा है कि वे इलाके में सभी समुदाय के हक में खड़े रहे हैं और उनके लिए काम किया है। कैराना में सांप्रदायिक फासला नहीं है, बल्कि मीडिया में यहाँ 2 संप्रदायों के बीच नफरत दिखाई जा रही है।